गुरु रूप सत्संग जीओ फतेह प्रवान करने वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतह। मनुख एक ऐसा जन्म है सहजे सहजे मनुख कई तरह की होर जिंदगी नो जन्म देंदा है। मनुख दे अंदरों ही समाज का जन्म होया है, मनुख दे अंदरों ही राजनीति का जन्म होया है, मनुख दे अंदरों ही धर्म का जन्म होया है। समाजिक जीवन नो जन्म देता है मनुख ने, राजनीतिक जीवन नो जन्म देता है मनुख ने, और धार्मिक जीवन नो जन्म देता है मनुख ने। मनुख का जन्म होया है, फिर मनुख ने समाज नो जन्म देता है, मनुख ने राजनीति नो जन्म देता है, मनुख ने धर्म नो जन्म देता है। राजनीति ते समाज नो इस वक्त ना लई, क्योंकि आपां धार्मिक मंदिर दे च बैठे हाँ, ते महान धर्म दे सागर, धर्म दे केंद्र, धन गुरु हर राय साहब जी महाराज का प्रकाश उत्सव मना रहे हैं। इस वास्ते गल ते धर्म दी करांगे। जिन्हां कोल धार्मिक जीवन है वो कोई करोड़ां च इक कद नहीं, हजारां च सैकड़ियां च इक कद नहीं। जन नानक कोटन में किन्हों गुरमुख होए पछान, कोटन में नानक को नारायण जय जी। गुरु ते एक वादस करोड़ां च कोई एक कद नारायण जिस दे चेते दे चे, नारायण जिदी समझ दे चे। गुरुद्वारे बैठा है, गुरु दी गोद च बैठा है, कुछ भी नहीं पता है मेरा गुरु है ना, गुरु दी अजमत दा पता ना, गुरु दी महानता दा पता ना, गुरु दे ज्ञान दा पता। इस वास्ते अक्सर मैं ये दो बोल हर जगह बोलदा और हर वक्त बोलदा, जो मेरी समझ दे च नहीं नहीं है, नहीं है। होवेगा परमात्मा है, परमात्मा जर्रे जर्रे च है, रोम रोमे च है, होवे पिया, जो मेरी समझ दे च नहीं नहीं है। दूसरा जो मेरे चेते दे च नहीं नहीं है, जो मेरी स्मृति दे च नहीं नहीं है। होवेगा जर्रे जर्रे च परमात्मा, मेरी समझ च नहीं है। होवेगा रोम रोम दे च परमात्मा, मेरी स्मृति दे च नहीं है। दुनिया भर दे अवतारी पुरशां ने आख्या याद करो, चेते करो, संस्कृत च कहिंदे ने सिमरन करो, सिमरन करो, चेते करो, याद करो। इस वास्ते है मैं दोहरावां शब्दां नूं, असी ईश्वर नूं गवाया नहीं, गवा नहीं सकते, भुलाया है, भुला सकते हैं, भुल गए। भुलिया क्यों? समझ दे च नहीं। कहिंदे ने दो जगह ते परमात्मा नहीं है, उंज व्यापक है, सब जगह है, पर दो जगह ते नहीं है। केड़ी दो जगह ते नहीं है? समझ दे च नहीं है, चेते दे च नहीं है, बाकी सब जगह है। ऐसी कोई जगह नहीं जिथे रब नहीं है। पर फिर भी धार्मिक विद्वान कहते दो थावां ते ते नहीं है, बाकी सब जगह है। समझ दे च नहीं है, चेते दे च नहीं है। पशु दी जिंदगी दसदी है, इनू मां बहन दी समझ नहीं, इनू परिवार दी समझ नहीं। मनुख दी जिंदगी दसदी है, इनू निरंकार दी समझ नहीं है, नहीं है। इहदा व्यवहार दसदा, इहदी तर्ज जिंदगी दसदी है, इहदी जीवन शैली दसदी है, परमात्मा दी समझ नहीं। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहिंदे जन्म ते हो गए, ते हुण मैं इह वी अर्ज करां, जन्म बच्चे दी तरह हुंदा है। कदी कदी संसार विच कुछ इस तरह दे महान रूहां दा जन्म भी होया है, जिन्हां नूं असीं कह सकदे हां बुढ़िआं दी तरह जन्म होया है। चीन दे च कहिंदे ने लाओत से जिहड़ा संत होया, कहिंदे ने बुढ़िआं दी तरह पैदा होया। ते बुढ़े तो मुराद जन्म तो समझदार सी, जन्म तो ज्ञानी सी, जन्म तो सूझवान सी,
जन्म तो दूर दृष्टि से भट्ट गुरु अर्जन देव जी महाराज कहनन ते जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाणियो। हे गुरु अर्जन देव जी, तुसी ते जमदे ही ब्रह्म गए ने। हे गुरु अर्जन देव जी महाराज, थोड़े शरीर का जन्म होया, शरीर के नाल नाल धर्म का जन्म होया, ते जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाणियो। कहिंदे ने धन गुरु अर्जन देव जी महाराज 2.5 साल दे सन, ते गुरु अमरदास जी महाराज का सिंघासन गोविंदवाल साहब की गल है, चढ़न की कोशिश पे करते, उपर तखत ते चढ़न की कोशिश पे करते, भजे हुए माता भानी जी आए, उन्होंने चुक लिया, आखिया लाल जी ये गुरु नानक का तखत है, ये तीजे गुरु नानक का सिंघासन है, इस ते बैठने की कोशिश ना करो, इस ते आइंदा ना चढ़ना। प्यार नाल डांटदे आया बच्चे नूं कह रहे हैं, बालक गुरु अर्जन देव जी इस तखत ते नहीं बैठना, चढ़न की कोशिश ना करनी, ये गुरु नानक का सिंघासन है। गुरु अमरदास जी महाराज सुते सिदा गए, भानी दे हथों 2.5 साल दे इस बच्चे नूं लैके बालक गुरु अर्जन देव जी नूं सिंघासन ते बिठा दिता, आखिया दोहता बाणी का बहुता, इते बाणी दा जहाज है, जे ए नहीं सिंघासन ते बैठेगा ते होर कौन बैठेगा, ते धुर दरगाहों बैठे होया है, इनू ते रब ने बिठाया, इनू ते परमात्मा ने बिठाया, इते प्रभु दी गोद विच है, और इस दे आसरे ते पता नहीं कितनियां नू परमात्मा दी गोद हासिल होवेगी। इते बहुत है, इते जहाज है, इते आसरे पता नहीं कितने पार होणगे, ए नहीं बैठेगा ते कौन बैठेगा। जन्म तो बुजुर्ग कोई करोड़ा च एक कद, कदी कदी जन्म सारिया दे बच्चे दी तरह होंदा, शरीरक तौर ते भी बच्चे, दिमागी तौर ते भी बच्चे, ना समझी कुछ भी पता नहीं। कदी कदाई संसार दे इतिहास दे च कोई बुढ़िया दी तरह पैदा होंदा है। चीन दे च कथा है भई लाद से बुढ़िया दी तरह पैदा होया, भाव जन्म तो गया नहीं। कबीर बारे कहिंदे ने कमल तो पैदा होया, विष्णु नूं कहिंदे ने कमल तो पैदा होया, ब्रह्मे नूं कहिंदे ने कमल तो पैदा होया, नहीं जन्म तो कमल जैसे सन, डुब्बे नहीं गर्क नहीं होए, समझ सी। जैसे पानी दे कमल डुबदा नहीं, जिहड़े मनुख संसार विच डुबन ना, पदार्थां विच डुबन ना, वो कमल दी तरह होंदे ते डुबे होए ने, सहजे सहजे फिर तैरना ते निर्लेप होना सिख देने, पर कोई जन्म तो भी निर्लेप होंदे, उन्हां नूं कहिंदे ने इन्हां दा जन्म ते कमल तो होया, भाव कमल जैसे ने, कमल डुबदा ने। गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने हम दे खां तै डुबे आले, पहले पातशाह जी दा वाद, महाराज कहिंदे मैं ते देखदा डुबे पे, डुबे पे, सुते सिद्ध गल आ गई तो मैं अर्ज करा, पानी विच कुत्ते तैर दे ने, गौवां भी तैर दियां ने, मज्जां भी तैर दियां ने, पानी दे चीते भी तैर के लंघ जांदे ने। मैं केरला दे देख के दंग होया सी, बहुत पुरानी गल, 60 फुट डूंगा पानी हाथी नहावे पिया, ते नहा के बाहर निकला हाथी तैर रहे, पहाड़ वर्गा शरीर तैर रहे, हाथी तैर रहे ने, गौवां तैर दियां ने, घोड़े तैर रहे ने, मज्जां तैर दियां ने, कुत्ते तैर रहे ने, शेर तैरते ने, चीते तैरते ने, मनुख डुबदे ने, बंदा डुबदा, सिर्फ मनुख डुबदा। क्या पानी दा मनुखा नाल वैर है? मज्जां ते तैरदे ने, घोड़े ते तैरदे ने, हाथी ते तैरदे ने, गौआं ते तैरदियां ने, कुत्ते भी तैरदे ने, बंदा डुबदा। क्या पानी दा मनुखा नाल वैर है? नहीं, मनुख भी जिंदा ही डुबदा है, मुर्दे ते तैरदे ने, तैरदे।
मुर्दा ते तैरता है। यूपी दे अंदर मध्य भारत दे चे सनातन मत दे कोई हिंदू संत अगर चलाना कर जाता है, देही छड़ जाता है, उन्हें जल प्रवाह कर दे, दास संस्कार नहीं करते, जल प्रवाह कर दे। पर जब जल प्रवाह कर दें तो मन मन दो दो मन दे नाल पत्थर बनते हैं, क्यों लाश तैरन लग पैंदी। हालांकि लाश जिंदा मनुख नालों भारी हो जाती है, वजन बढ़ जाता है, लेकिन तैरती है। हैरानगी है, जिंदा डुबदे ने मुर्दे तैरदे। पानी दा मनुख नाल भी वैर नहीं, अगर मनुख नाल वैर है तो फिर मुर्दे भी डुबने चाहिए। मुर्दा तो नहीं डुबदा, जीव दा मनुख क्यों डुबदा है? ये अपना बैलेंस बिगाड़ बैठता है, तवाजन खो बैठता है, संतुलन गवा बैठता है, डुबदा है। लोग इसका तवाजन डामाडोल कर देता है, सीमा तो वधिया होया अहंकार इसका बैलेंस बिगाड़ देता है, सीमा तो वधी हुई वासना इसका संतुलन डामाडोल कर दे, डुब जाता है। हम दे खाते डुबे आए, ये डुब गए। डुबे की पहचान की होगी? उदा नितनेम डुब गया होगा, नहीं करता होगा। रहत बैत डुब गई होगी, अमृत वेला डुब गया होगा, गुरु भक्ति डुब गई होगी, सील संयम डुब गया होगा, दया विशालता सम दृष्टि डुबी हुई होगी। हम देखा ते डुबे, महाराज कहते हैं मैं तो देखदा डुबे हुए, दुनिया डुबी हुई है, गर्क हुई है। डुबे की पहचान की है? उदे कोल नितनेम नहीं होगा, अमृत वेला नहीं होगा, जप तप नहीं होगा, सील संजम नहीं होगा, दैवी गुण नहीं होंगे, डुबे होगा, गर्क होया होगा। कदी कदाई कोई एक कद मनुख अपना तवाजन अपना बैलेंस ठीक रखता है, डुबदा नहीं, उसे नु असी कहने निर्लेप है, कमल की तरह पानी वधदा है, कमल होर उपर उठता है। धन घर दे च वध रहा है, डुबदा नहीं पिया, प्रभता वध रही है, डुबदा नहीं पिया। नहीं तो कोई प्रभता च डुबे हुए ने, कोई धन संपदा दे डुबे हुए ने, कोई रूप रंग दे डुबे हुए। हम दे खाते डुबे, महाराज कहते हैं मैं देखदा दुनिया ते डुबी पई है। धार्मिक जीवन ते कुछ गुणा देखड़ा है, सूरज अपना नूर वंडदा है संसार विच किरणा दे राही, परमात्मा दा प्रकाश हिरदे च पहुंचदा है गुणा दे राही। गुणा तो पता चलदा इत्थे चानना है, सारी रोशनी सूरज दी है, सारे गुण परमात्मा दे ने। सब गुण तेरे मैं नाही को, विण गुण कीते भगत न हो। मेरे घर विच चानना है, पर चानना ते सूरज दा है, मेरा तो नहीं। अगर हिरदे विच गुण आ जाए, गुण परमात्मा दे, ठीक है। गुण रोशनी ने, औगुण अंधेरा है। जितने औगुण होंगे उतने ही वो भटकदा होया मनुख होगा, अंधेरा होगा। जितना गुण होंगे उतना ही उसकी जिंदगी विच चानना होगा, प्रकाश होगा। और जीवन सही मार्ग पे चल रहा होगा। तो मैं फिर दोहरावां, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, हे प्रभु मैं तेरे मार्ग ते चलते पिया, तो चलती की है? सुरत चलती है। तुसी चल के आ गए, शरीर चल के आ गया, पैर चल के आ गए ने, इहदे नाल हाजरी असी भरी है। असी गुरु की हजूरी च नहीं गए, गुरु की हजूरी च सुरत जाती है। शब्द नाल सुरत जुड़ेगी, हाथ पैर नहीं जुड़ते। इस वास्ते हाजरी भरना होर गल है, गुरु की हजूरी विच चले जाना होर गल है। अगर 10,000 बंदे हाजरी पे भर देन, गुरु गुरु की हाजरी पे भर देन, एक दो बंदे आउणगे जिन्हां नूं गुरु की हजूरी नसीब होगी।
कलगीधर पिता दे रसना तो ए बोल निकलिया सी हाजर गैराजर गैराजर हाजर शायद जिन्होंने साखी सुनी हाजर गैराजर गैराजर हाजर जितने बैठे हुए सन उन्होंने सुरत उठे नहीं सी ध्यान उठे नहीं सी सुरत शब्द दे नहीं सी हाजर गैराजर कुछ नहीं पहुंच सके सन उन्हों का ध्यान उठे सी वैराजर हाजर चलना ते सुरत ने ना सुरत अगर शब्द की तरफ चल पई है तो मैं ये भी दोहरा दें ताकि गल पूरी समझ दे चावे सुरत दे तीन अर्थ ने सुरत सुनना सुरत समझना सुरत जुड़ना स्रोत ही शब्द तो बने हैं सुरत भई ये स्रोत है ये तो सुरत दे च है सुन रहे हैं एक सैकेंड दे च तीन घटनावां घटदियां ने एको ही समय सुरत सुनना सुरत समझना सुरत जुड़ना ये तो स्रोता है सुरत दे च है अगर ये सुरत दे च है तो इन्हें सुरत आ जाएगी अगर सुरत आ गई तो सुरत जुड़ जाएगी सुरत सुनना सुरत समझना सुरत जुड़ना ये तीन घटनावां एक सैकंड दे च घटदियां जिस वक्त मनुख सुनदा है उसे वक्त ही समझ आ जाती है उसे वक्त ही जुड़ जाता है ये घटना एक सैकंड दे च घटती है एक सैकंड दे च घटती है इधर जबान ने आख्या वाहे गुरु इधर मन ने सुने इधर मन ने सुनिया इधर मन नु समझ आ गई इधर मन नु समझ आई मन शब्द च लीन हो गया जुड़ गया मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पछाण जुड़ गया ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थे ऐ ज्योत दे ज्योत हो गई जीवन यात्रा संपूर्ण हो गई होंदी एक छिन्न दे च है निर्माण कीर्तन गावो करते का निमक सिमरत जित छूट है निमक निमक एक सैकंड है एक चित जै एक छिन दे आयो काल फास के बीच ना आयो एक छिन एक निमक इन अत कथनी ना समझ लेना किसे कमरे विच 50 साल दा अंधेरा होए गुप अंधेरा होए उस अंधेरे नू कढ़न वास्ते 50 साल लगणगे नहीं एक सैकंड लगेगा बत्ती जलाई दे गया जन्म जन्मांतरां दे पाप दुख संताप ते अंधेरा के इनू कढ़न वास्ते कई जन्म लगणगे नहीं एक सैकंड लगेगा टुक दम करारी जो करो हाजर हजूर खुदा एक दम दे टिक जाओ खुदा हाजर नाजर ते एक दम ही आज है बाबा फरीद कहंदे ने आज मिलावा शेख फरीद टाकम कूंजनिया मनो मचिंदरिया मैं पानी हुण पीवां प्यास कल मिटेगी कि हुणे मिटदी मैं भोजन हुण छकां हुणे भुख मिटदी है या महीने बाद मिटदी है मैं नाम हुण जपां फल अगले जन्म विच मिलेगा साल दो साल बाद मिलेगा इन्हां गल्लां ने मनुख नूं निराश कीता होया ये भी मैं अर्ज करा ऐसी गल नहीं है ऐकर करे सो ऐकर पाए महाराज गए तत छिन टुक दम करारी जो करो एक दम विच किधरे टिक जाओ हाजर हजूर खुदा है मैं पानी हुण पीवां ते प्यास महीने बाद मिटेगी मैं रोटी हुण खावां ते भुख कल मिटेगी लोकी कहिंदे ने कोई नहीं सहजे सहजे हो जाएगा गासी लग जांदी हौले हौले बंदे नूं ताप चढ़े आवे बड़ा जोर दा ते उह डॉक्टर नूं कहिंदा है जरा हौले हौले बुखार मेरा उतारी महीना दो महीना तड़पदा रहा कहिंदा छेती कर जल्दी ठीक कर विकारां दा अज्ञानता दा ताप मन नूं चढ़े आवे हौले हौले हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा ये ठीक नहीं होना चाहता ये रोगी रोग नाल भी मोह कर बैठा है
मनोचिंतक ऐसा कहने लंबी बीमारी दे जीण वाले मरीज बीमारी नाल सहमत होके जीवन देन और निराश हो जाते हैं भी ठीक नहीं होवांगे। कोई दसे भी सही उन्होंने ऐ दवाई ले लो ऐ दवाई ले लो, उन्होंने अंदर निराशा है, रोग दे जीण की आदत बन गई, विकारां दे जीण का सुभाव बन गया, हुण ठीक होने का ख्याल भी नहीं और ठीक हो सकांगे ऐसा भरोसा भी नहीं बनता, नहीं ठीक हो सकांगे, इहदे जीवना पएगा। जैसे जर्मनी दे प्रसिद्ध डॉक्टर हो गुजरे फ्रायड ने कहा है, हंकार देच, काम देच, क्रोध देच, लोभ देच जीना पएगा, इहदा कोई इलाज नहीं, थोड़ा जिहा इहनां नूं मदन कीता जा सकदा है, बाकी इहनां दा त्याग नहीं हो सकता, जीवन नूं छड्ड नहीं सकदे, इहनां दे जीवना ही पएगा। यूरोप दे पढ़े लिखे बंदिआं नूं इस फ्रायड ने बड़ा निराश कीता है, जीवना ही पएगा, इहदे जीवना पएगा। उहने ऐलानिया किहा भारत दे संत गलत कहिंदे ने, मन विच राम है, कहिंदा नहीं मन विच काम है, मन विच निरंकार है, कहिंदा कतई नहीं मन विच हंकार है, पंज कहिंदा है, कहिंदा मैं मन नूं फोल के देखिया सिवाय हंकार तो होर कुछ भी नहीं है, मैं मन नूं फोल के देखिया सिवाय वासना तो होर कुछ भी नहीं है, मैं मन नूं फोल के देखिया कहिंदा सिवाय काम तो होर कुछ नहीं, एवें कही जांदे ने राम है मन तों जोत स्वरूप है अपना मूल पछा, एक सीमा तक वो ठीक कहिंदा है, एक सीमा तक। जैसे सागर दे उपर उपर ते लहरां ने या कुछ लभण गया मछलियां ने संख ने सिपियां ने मोती ते गहरे तल दे किसे किसे दे हाथां उपर उपर ते वाकई मन दे ख्वाहिशां ने कामनावां ने वासनावां ने जो बहुत गहरे डुबकी ला लैंदे ने उन्हां नूं राम नाम दा हीरा मिल जांदा है। तन में मनवा मन में साचा सो साचा मिल साचे राचा, तन विच मन है मन विच सच, तन विच मन है मन विच प्रभु है, मन तों जोत स्वरूप है अपना मूल पछा। खेड सारी पहचान आती है, पहचान आती है, जिसनों मैं नहीं जानता वो नहीं है, जिसनों मैं नहीं समझता वो नहीं है, जो मेरे चेते च नहीं वो नहीं है, जो मेरी सिमृति च नहीं वो नहीं है, जो मेरी समझ दे च नहीं वो नहीं है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हे प्रभु चलते पिया तेरे मार्ग ते, पर उस बच्चे की तरह जिसने अज चलना सीखे, दो साल बाद ढाई साल बाद डेढ़ साल बाद बच्चे चल देने पैर पुटते हैं खड़े होंगे, कि चार पांच साल का बच्चा हो बच्चा चले ना मां बाप को चिंता हो जाती है, गल की है बच्चा खड़ा नहीं होता पैर नहीं पुटता, चार साल का हो गया पांच साल का हो गया डॉक्टरों को ले जाते वैद्य को ले जाते, तीन साल का हो गया चार साल का हो गया मुंह अक्खर नहीं निकल बोलता नहीं, मां बाप को चिंता हो जाती है। जिस दिन बच्चे की जबान चो पहला बोल निकलता है अक्सर मां ही निकलता है, घर दे खुशियां मनाईया जाए, घर दे प्रसाद वंडते हैं मिठाइयां वंडते हैं नचते ने टपते ने बच्चा बोलन लग पे। जिस दिन बच्चा कदम पुटे बच्चे ने कदम पुटे चलन लग पे, चलो एक कदम ही सही कदम तो पुटे खड़ा तो हो, कोई ती चाली साल तो गुरुद्वारे आ रहे हो ते अजे भी सुरत नहीं चली शब्द की तरफ, यकीन जानो गुरु नूं भी चिंता हो जाती है गल की है, इन्ने चिर हो गया गुरुद्वारे आउंदे, पंजाह साल हो गया गुरुद्वारे आउंदे आ अजे भी अमृत वेले उठ के रसना वाहेगुरु वाहेगुरु नहीं जपदे, गुरु नूं भी चिंता हो जाती है इन्हू बोलना ही नहीं आया, बाबा बोलना क्या कहिए जैसे राम ना रव रही, इन्हू बोलना ही नहीं आया, ये बोलता ही नहीं, पचास साल का हो गया बोलता नहीं पे, ये तीह पैंती साल हो गए ने इन्हू ये चलता ही नहीं, चलना तो सुरत ने
जपना ते रसना ने, रसना नाम जपो तब मथिए, इन बिद अमृत पाओ, जपना रसना नालो। और जपण दे जो ढंग इस्तेमाल करना है गुरु नानक ने दस दिता है, गावीए सुनिए मन रखिए, जबान गायन करे ते मन सुने, मन स्रोता बने जबान वक्ता बने। अगर जबान वक्ता बन के मन स्रोता बन गया ये पुरुष पहुंच गया। जबान वक्ता ते बनी है, मन स्रोता नहीं बने, ये चलते पे, चलते पे पहुंचे कोई। जबान वक्ता ही नहीं बने, जपदा ही नहीं। एक तो उस बच्चे की तरह होया, चार पांच साल का हो गया, मुंह बोल नहीं निकलते पे, मां बाप नूं चिंता है गल की है, बोलता नहीं, डिगना की है ते चलना की है। सत्संग विच आया चल पे है, कुछ संगत विच बैठा है डिग गए। सच बोले है चल पे है, झूठ बोल रहे है डिग पे है। दान कीता है चल पे है, बेईमानी कर रहे है डिग पे है। अमृत दी प्यास पैदा हुई है चल पे है, शराब दी तलब जाग पई है डिग पे है। जिंदगी भर ये चलना डिगना, चलना डिगना यही होता है। हाथ देच गुटका है चल पे है, पर गंदे गीत अलाप रहे है डिग पे है। तुसी देख सकते हो, चल देने डिग देने चल दे, सारी जिंदगी चल पैने डिग पैने, कदम अगे तरफ उठते डिगदे पिछे दी तरफ, फिर उत्थे ही आ जाते हैं जिथों चले। और सारा दिन कोई मनुख एक कदम अगे ते एक कदम पिछे पुटे, किथे पहुंचेगा? किधरे पहुंचेगा? चल चल के थकेगा, चल चल के टूटेगा, पहुंचेगा किधरे नहीं। दावे नाल मैं कह सकदा, चाली चाली साल तो जिहड़े गुरुद्वारे आ रहे ने, चाली साल पहले क्रोधी सन अज भी क्रोधी ने, चाली साल पहले लोभी सन अज भी लोभी ने, चाली साल पहले झूठे सन अज भी झूठे ने, और चाली साल पहले वासना दे भरे हुए सन अज भी ने। कल ते कुछ भी ना बने, मेहनत ते बड़ी की थी, थके भी ने टूटे भी ने। चालीस साल पहले हंकारी सन अज भी हंकारी, खेड़ते कुछ भी ना चले ने, चल चल के थके ने टूटे ने, पहुंचे किधरे भी ने, किधरे भी। हे प्रभु मैं ते चलना ते डिगदा, तू मेर कर, तू मेरी बांह पकड़, ताई खेड़ बने। दास गोविंद फतेह सतगुर की बाहां दे मोहे निस्तार, गुरु गोविंद सिंह जी दी। हे प्रभु अपनी बांह दे, अपनी बांह पकड़ा ते डिगण तो बचिए। मेरे कोल ओ कन नहीं जो तेरे बोल सुन सकन। मनुख कोल जिहड़े कन ने, ये पुत्र नू सुन सकदे ने, मित्र नू सुन सकदे ने, पत्नी नू सुन सकदे ने, पति नू सुन सकदे ने, भरा नू सुन सकदे ने, मित्रां नू सुन सकदे ने, गुरु नू नहीं सुनदे। ये हकीकत है महाराज, मेरे कोल ओ कन नहीं सतगुर कहिंदे जो तैनू सुन सका, मेरे कोल ओ जबान भी कोई नहीं जो मैं अपने बोल तेरे तक पहुंचा सका। मेरे बोल पुत्रां तक पहुंचदे ने, परिवार तक पहुंचदे ने, मित्रां तक पहुंच जांदे ने, पड़ोसियां तक पहुंच जांदे ने, हे प्रभु तेरे तक नहीं पहुंच। मेरे कोल इतनी तौफीक ही कोई नहीं कि मैं बोल तेरे तक पहुंचावां। पहुंच दिए गल रब तक भी, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवास मगर रखती है। जां का कहा दरगे चले, महाराज कहने जेदा बोलिया होया दरगाह दे चलदा है, परमात्मा सुनदा है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने मैं एवें नहीं बोलना, दे कन सुनो अरदास जीओ, मैं तेरे कन विच गल करनी है, मैं थोड़ी करनी तो सुन ते मैं बोल। भगत बोलते ने प्रभु सुनता है, क्यों? उन्होंने बोल प्रभु तक पहुंचते हैं, दिल चो निकली हुई गल परमात्मा तक पहुंचती है, जबान तो निकली हुई गल तो सिर्फ कन्ना तक पहुंचती है।
नहीं पहुंचती, दिल दिल तक नहीं पहुंचती। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवास मगर रखती है। मेरे कोल ओ अखां भी कोई नहीं जो तैनू वेख सकदियां ने, जो परमात्मा नू वेख दियां ने वो अखां इतनियां निर्मल हो जांदियां ने, इतनियां पवित्र हो जांदियां ने, इतनियां सुंदर हो जांदियां ने, ओही नेत्र खूबसूरत ने जिन्हां च परमात्मा वसदा है। ओ नेत्र ते करूप ने, मैले ने, जिन्हां दे अंदर वासना है, जिन्हां दे अंदर अनर्थ है। साहिब कहिंदे ने ओ सुंदर नेत्र भी मेरे कोल नहीं जो तैनू देख सकन। गुरु ग्रंथ साहिब दे पहले टीकाकार भाई गुरदास ने आपकी ग्याथली अर्ज करा, मेरे देखे मेरी स्टडी दे जो आया गालबन 150 शब्दों के अर्थ भाई गुरदास जी ने आप किए ने। जिड़े जिड़े शब्द अर्थ करन लगे गुणी गैनी भुलेखा खा सकते सन, लोकी धोखा खा सकते सन, भाई गुरदास जी ने उन्होंने खोले। पवन गुरु पाणी पिता माता धरत मात, इस श्लोक को भी खोलते हैं। पवन गुरु गुरु शब्द है, वाहेगुरु जप मंत्र सुनाया, धरती माता महत कर ओत पोत संजोग बनाया। असी जो बोलते हैं पवन करके बोलते हैं, देही माटी बोले पवन। पवन ना होवे बोल नहीं सकते। देखो लाश पई होंगी पानी के शरीर च है, मिट्टी का ढांचा भी पिया, पवन नहीं रह गई तो बोलना कोई नहीं, बोलना ही बोलना ते पवन करके। देही माटी बोले पवन, बोलन हार परम गुर ए ही। बोल के ही संबंध जुड़ते ने, बोल के ही संबंध टुटते ने। कुछ ऐसा बोल है, बोल होंदा है कि ओपरा बेगाना अपना हो जाता है। कुछ जबान चो ऐसे बोल निकलते हैं मुद्दतों की मित्रता दुश्मनी च बदल जाती है। एक बोल, एक बोल, एक बोल ऐसा है बंदे नू तपा के रख सकता है, शायद सारी रात तड़पता रहे। पर जे एक बोल तड़पा के रख सकता है, एक बोल शांत भी कर सकता है, सुकून भी दे सकता है। खेड ते सारी बोलां दी है, मनुखी दुनिया दी सारी हलचल बोलचाल ते खड़ी है। ये भी मैं अर्ज करते हैं, सारे संबंध भी बोलचाल ते खड़े ने। मनुख कह देंदा उत्थे साड़ी बोलचाल है जिथे संबंध होवे, जिथे संबंध ना होवे कहिंदा उत्थे साड़ी बोलचाल कोई नहीं। जिथे संबंध गूढ़े होवन कहिंदा उत्थे साड़ी बोलचाल बड़ी चंगी है, जिथे ना होवे भई साड़ी बोलचाल ही कोई नहीं। संबंध जुड़दे ने बोलन करके, ते बोलना पवन करके। इन्हां पंज तत्तां दे चो पवन नूं गुरु नानक ने गुरु कहा, क्योंकि इस करके ते बोलना वाहेगुरु वाहेगुरु ताई रसना जत सदी अंदर श्वास चलन पवन है। भावें पानी पिता है, भावें धरती मां है, पर पवन ते गुरु है, संबंध जोड़दा है परमात्मा। ऐसा कुछ बोलना है मोह के बोलन बोलिए, जित सुन धरे प्यार। कुछ है ऐसा बोलना कि परमात्मा नाल संबंध जुड़दा है, कुछ है ऐसा बोलना संसार नाल संबंध जुड़दा है, परिवार नाल संबंध जुड़दा है। जिड़े बोल परिवार नाल संबंध जोड़ते हैं, संसार नाल संबंध जोड़ते हैं, उन्होंने कहते हैं शब्द। ते जिड़े बोल परमात्मा नाल संबंध जोड़ते हैं, उन्होंने कहते हैं गुर शब्द। रोशनी नाल भरे हुए शब्द ने, चानने नाल भरे हुए शब्द ने। खैर संक्षेप दे च मैं अर्ज करा, मनुख 90% प्रगट भी बोलां तो आंदा है। ता मर्द सुखन ना गुफ्ता बाशद, ऐबो हुनर ने हुफ्ता बाशद। जिन्ने चिर तक मनुख बोले ना गुण औगुणा का पता ही नहीं चलता। क्रोधी है कि शांतमई है, कि जल्दबाज है कि धीरजमान है, मूर्ख है कि सियाणा है, धार्मिक है कि अधार्मिक है, सत्संगी है कि कुसंगी है, बोल दस देंदे। हत्थां तो कुछ नहीं पता चलता, पैरां तो कुछ नहीं पता चलता, मुंह मथे तो भी कुछ नहीं पता चलता, बोलना तो पता चलता है। ता मर्दे सुखन ना गुफ्ता बाशद, ऐबो हुनर ने हुफ्ता बाशद। जिन्ने चिर तक बंदा बोले ना कख नहीं पता चलता। कुछ ऐसा बोलना है जिदे च परमात्मा है, कुछ ऐसा बोलना है जिदे च लोभ है, कुछ ऐसा बोलना है जिदे च हंकार है, कुछ ऐसा बोलना है जिदे च निरंकार है।
तो इस तरह के बिखड़े शब्द जिन्हां दे अर्थ करन लग्या मनुख धोखा खा सकदा सी भुलेखा खा सकदा सी भाई गुरदास खोल रहे। इस वास्ते भाई गुरदास जी की बाणी नूं आखिया गया कुंजी, इहदे ताले नूं खोल दी है, शब्दां नूं खोल दी है। इत्थे आखो शरीर की गल, शरीर की गल नहीं। महाराज कहिंदे ने अखां कोई नहीं, कन्न कोई नहीं, जबान कोई नहीं, पैर भी कोई नहीं, हाथ भी कोई नहीं टुंडे, पैर भी कोई नहीं लंगड़े, जबान भी कोई नहीं गूंगे, कन्न भी कोई नहीं बहरे, अखां भी कोई नहीं अंधे। इत सारी अंग भंग हो गए। भाई गुरदास जी ध्यान नाल सुनना, भाई साहब कहिंदे ने देखबे को ना दृष्ट ना दर्श दिखाए बे को, कैसे प्रिय दर्शन देखिए दिखाइए। हे गुरु तैनों देख सका मेरे को अखां कोई नहीं, ते जिहड़ियां अखां हैगियां ने इहदे नाल तू दिखाई नहीं देंदा। भाई गुरदास देखबे को ना दृष्ट ना दर्श दिखाए बे को, कैसे प्रिय दर्शन देखिए दिखाइए। कहबे को ना सुरत ना सरवन सुनबे को, कैसे प्रिय निध गुण सुनिए सुनाइए। हे गुरु तेरे तक मैं बोल पुछा सका जबानी कोई नहीं, और तेरे बोल मैं सुन सका मेरे को कान नहीं कोई नहीं। भाई गुरदास कहबे को ना सुरत ना सरवन सुनबे को, कैसे प्रिय निध गुण सुनिए सुनाइए। मन में गुरमत गुरमत में न मन, नेचल होए कैसे उन मन लेवल आइए। अंग अंग भंग रंग रूप कुल हीन दीन, कैसे बो नायक की नायका कहाइए। भाई साहब भाई गुरदास मन में गुरमत गुरमत में न मन, जो गुरु दी मत है ये मेरा मन कबूल नहीं करता, जो गुरु दी समझ है ये मेरा मन कबूल नहीं करता, जो गुरु दे विचार ने ये मैनू कबूल नहीं, ते जो मेरे विचार ने गुरु नू कबूल नहीं। ध्यान नाल सुनन वाली, जो मेरी सोचनी है गुरु नू प्रवान नहीं, गुरु कहिंदा है ठीक नहीं है, ते जो गुरु दी सोचनी है मैनू प्रवान नहीं। मैं अक्सर अर्ज करदा हुंदा मत्था टेकण दा मतलब इन्ना ही है, गुरु मैं अपने विचार इत्थे रखदा गल खतम, मैं अपना विचारां दे मुताबक जी के देख लिया, सिवाय दुख तो मेरे पल्ले होर कुछ नहीं पिया, सिवाय विपतावां तो मेरे पल्ले होर कुछ नहीं पिया। और सही है, ऐ गुरु मैं अपने विचार इत्थे रखदा, तू अपने विचार मैनू दे। और गुरु कहिंदा भी है गुरु की मत तो ले इयाने, भगत बिना बहु डूबे सियाने। भगती ते गुरु दी मत नाल होएगी, मेरी मत नाल नहीं हो सकती। कहिंदे ने मनुख नूं अपने शरीर नाल धन संपदा नाल परिवार नाल भी इतना प्यार नहीं होंदा जितना अपने विचारां नाल प्यार है। अपने विचारां नाल मोहे मनुख कह भी देंदा है इन्हें मेरे विचारां नूं सट मारी। जिसम नूं सट लग जाए शायद बर्दाश्त कर लवे, विचारां नूं सट लग गई बर्दाश्त नहीं। इन्हें मेरे विचारां दा खंडन किया, इन्हें मेरे विचारां नूं चोट पहुंचाई है, इन्हें मेरी सोचनी नूं चोट पहुंचाई है, इन्हें मैनूं बड़ा दुखी किया। इहदा मतलब है विचारां नाल मनुख नूं बड़ी भारी ममता है, जीवन भर ममता रहिंदी है। पर कई दफा जब बिरद हो जाता है बुढ़ा हो जाता है उदों कहिंदा है ए गुरु ऐ मेरी मत हुण लै तो, तू अपनी मत मैनू दे। पर गुरु कहिंदा हुण तेरे कोल मत रही भी है तो सारी गवा के आ गया, सतना का मत हीण असियां का व्यवहार ना पावे, रही कित्थे। इसे वास्ते थानूं ये शेर चेते होवेगा, शेख सादी साहब ने कहा है दर जवानी तौबा कर दन सीरते पैगंबरी, वक्ते पीरी गुर के जालम में शबद परहेजगार। जिड़ा जवानी दे गुनाहां तो तौबा करे, शेख सादी साहब कहिंदे ने उहदी सीरत ते पैगंबरां जैसी है, ते पैगंबर जवानी ते गुनाहां तो तौबा।
जवानी ते शील ते संजम, जवानी ते अपने आप ते काबू। इहदी सीरत ते पैगंबरां जैसी है, पर बुढ़ा हो गया ते कहिंदा मैं गुनाहां दा त्यागी। ये फकीर कहिंदा मैं नहीं मनदा। वक्ते पीरी गुरगे जालम में शबद परहेज, क्यों नहीं मनदे? दलील दिती है, एक बुढ़ा बग्याल अगर ये आखे ऐ पेड़ो ऐ बकरियो तुसी मैथों डरो ना, मैं थानू पकड़ना छोड़ देता है। पकड़ना नहीं छोड़िया, उस तो पकड़िया ही नहीं जांदियां। गलत ही नहीं, बुढ़ा बंदा कहिंदा मैं गुनाहां दा त्याग कीता है, कतई नहीं। गुनाह ही उसका त्याग करके चले गए। गुनाहां ने बैठना सी अखां दे च, रसना दे च, कन्नां दे च, हत्थां च, पैरां च। ये तो सारिया कुर्सियां टुटिया पईआं, बेचारे गुनाह कित्थे बैठण, किहड़ी थां ते बैठण। कहिंदा मैं गुनाहां दा त्यागी, कतई नहीं। वक्ते पीरी गुरगे जालम में शबद परहेज़दार। भाई साहब कहिंदे मन में गुरमत, गुरमत में ना मन। जो गुरु दी मत है वो मेरा मन कबूल नहीं करता, और जो मेरी मत है वो गुरु नहीं कबूल करता। जो मेरी सोचनी है ये गुरु नूं परवान नहीं है, और जो गुरु दी सोचनी वो मैनू कबूल नहीं है। मन में गुरमत, गुरमत में ना मन। नेचल होए कैसे उन मन लेवल आइए, अंग अंग भंग रंग रूप कुल हीन दीन। कैसे बो नायक की नायका कहाइए, अंग अंग टूटे आया है। पैर भी कोई नहीं, हाथ भी कोई नहीं, अखां भी कोई नहीं, कन भी कोई नहीं, जबान भी कोई नहीं। इस वास्ते है मैं अर्ज करदा हुंदा, सारे ज्ञान इंद्रे ते कर्म इंद्रे ना होवन। ते पत्थर ते बंदे विच फर्क ही है। पत्थर वेख नहीं सकदा, सुन नहीं सकदा, पत्थर बोल नहीं सकदा, पत्थर चल नहीं सकदा, पत्थर कुछ कर नहीं सकता। अगर मनुख परमात्मा नु वेख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, परमात्मा नाल बोल नहीं सकता, अपने बोल पुचा नहीं सकता, इहदी सुरत चली नहीं परमात्मा दे मार्ग ते, कि कम से कम धार्मिक तल ते ते बंदा पत्थर ही और की है। मैं दो शब्दों वास्ते माफी मंग लवां। बड़े बड़े इकट्ठ धार्मिक सम्मेलन मैं देखे ने, कोई एक अद्ध मनुख बैठा होवे, कोई दो चार बैठे होन, औखे ना होना पत्थर बैठे दिखाई देते। इतनी असलियत पहले कंठ तो आई सी, मैं थल्ले कीती सी, पर हुण इतना उछाल आ गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। मैं कह बैठा पत्थर। सुल्तानपुर दे नवाब ने गुरु नानक नूं कहा, सुनया तुसी कहिंदे हो अल्लाह ते राम इक्को ही है। सतगुरु कहन लगे केड़ी शक दी गल, एक ही ने, ते चलो साडे नाल नमाज पढ़ो फिर चलो। महाराज कहन लगे चल हुणे ही चल, ईशा दी नमाज पढ़दे आ, चल वक्त हो गया। इतनी उम्मीद नवाब नूं भी नहीं सी, चल पैणा चल पैणा। सारे सुल्तानपुर दे खबर पहुंच गई, बाबा नमाज पढ़न लई जा रहा है नवाब दी मस्जिद दे, और नवाब दे नाल जा रहे। बहुत सारिया नूं चिंता हुई, बाबे ने मजहब बदल लिया। बेबे नानकी मुस्कुरांदी रही, कहिंदे ने कृष्ण दी पहली भगतनी जिसका पूरा अटल विश्वास सी वो द्रौपदी सी, जिन्हें श्रद्धा लैंदी, जिन्हें मुहम्मद साहब ते सब तो पहले श्रद्धा लैंदी वो खदीजा सी, उन्हां दी पत्नी सी। जिसने सब तो पहले गुरु नानक ते श्रद्धा लैंदी वो बेबे नानकी सी। इत्थों सिखी चली, खदीजा तो इस्लाम चलिया। जे किधरे उसकी पत्नी इनकार कर देंदी कि इस्लाम नहीं वधना सी, ये भी मैं अर्ज कर दिया, उन्हें कबूल कर लिया। मुहम्मद ये बोल थोड़े नहीं ते खुदा दे लगदे। ते मुहम्मद साहब भी कहन लगे खदीजा तू ठीक जाणिया, मैं ते चुप कर गया, बिल्कुल चुप कर गया, मैनू तो हुण बोलना ही नहीं आता, पता नहीं खुदा की बोलदा। गुरु नानक कहिंदे ने हो आपो बोल ना जाणदा, हो कहा सब हुक्म आओ जियो, मैनू बोलना नहीं आता, मैं नहीं बोलदा, पता नहीं रब की बोलदा, पता नहीं परमात्मा की बोलदा। जैसे मैं आवे कसम की वाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे लाला। ये श्रद्धा सब तो पहले बेबे नानकी दी सी, सिखी उत्थों चली।
खैर बाबा मस्जिद दे च पहुंच गए, कतार दे च खड़े हो गए। इमाम ने रुकात पढ़नी शुरू की थी, सारिया ने सजदा किया, गुरु नानक खड़े रहे खड़े रहे। जन्म साखी दे च बड़े विस्तार नाल ये गाथा लिखी और वक् वक् ढंग नाल लिखी। सुल्तानपुर के नवाब ने अखां खोल के देख लिया कि बाबे ने सजदा नहीं किया, झुके नहीं ने, कि नमाज नहीं पढ़ रहे। नमाज पढ़न तो बाद, समाप्ति तो बाद नवाब कहन लगा सब गल्लां ही गल्लां ने, राम इक्को है, अल्लाह इक्को ही है। तुसी कहा सी साडे नाल नमाज पढ़ोगे, तुसी ते नहीं पढ़ी। महाराज कहन लगे साडा वायदा सी तेरे नाल नमाज पढ़नी सी, तेरे नाल मिलके घोड़े नहीं खरीदने सन, तू ते काबुल दे च घोड़े पिया खरीद रहा, अपां घोड़े नहीं खरीदने, अपां ते नमाज पढ़नी सी। साडा वायदा यह सी तेरे नाल नमाज पढ़नी है, तेरे नाल घोड़े नहीं खरीदने, तू घोड़े खरीदा पिया सी कि नमाज पिया पढ़दा सी। हैरान हो गया नवाब, नमाज पढ़दा घोड़े पिया खरीदा सी, कोई मंदिर दे पूजा पाठ करदे अपने घोड़े खरीददा, कोई गुरुद्वारे बैठा कथा कीर्तन सुनदे पाठ करदे अपने अपने घोड़े लोग खरीददे, कौन गुरु नाल जुड़दा, सब अपने अपने घोड़े खरीददे, अपनी अपनी गल्लां च उलझे हुए होंदे, अपने अपने झमेलियां दे फसे पए होंदे। कदी कदाई कोई पुरुष प्रभु की उस्तति दे जुड़े। हुण इत्थे प्रश्न पैदा होंदा है वो हथ केड़े ने जिहड़े सेवा करदे, वो पैर केड़े ने जिहड़े चल पैंदे, वो जबान केड़ी, वो अखां केड़ियां ने। गुरु नानक ने उन्हां दा खुलासा कीता है, भय के चरण। मनुख दे अंदर समाज दा डर है, कानून दा डर है, लेकिन परमात्मा दा डर नहीं। साहिब कहिंदे टुंडा है देख कोल हाथी कोई नहीं, परमात्मा दा ते डर ही नहीं। समाज तो डरदा है, कानून तो डरदा है, रब दा ते कोई डर ही नहीं, परमात्मा दा वाकई डर नहीं। देखो गोलक नूं भी ताले लाए ना, तीन तीन चार चार लाए ना, इहदा मतलब चोरी दे इत्थे भी डर है। कई दफा ऐसा देखे अगर टिकटा ते जोड़े ना रखो तो पैरी नंगी जाना पैदा कर, जुतियां भी नहीं लगदी। कोई रब दा डर थोड़ी, कानून तो डरदा, पुलिस ते नहीं देख रही, समाज तो डरदा है, दुनिया ते नहीं देख रही, परमात्मा तो नहीं डरदा जो हर जगह देखता। बेखत सुनत सदा है संगे, मैं मूर्ख जाने दूरी, सदा वेखदा। भय के चरण कर भाव के, पैर भावना दे बना। भावना शब्द दो अवस्थावां तो बनता है, प्रेम तो ते भरोसे तो। जिस ते भरोसा है उस नाल प्रेम है, जिस नाल प्रेम है उस ते भरोसा है। कई दफा बच्चे नाल प्रेम ते बड़ा है पर बच्चे ते भरोसा नहीं, उहदी हर गल ते भरोसा सी थोड़ी करदे, बच्चा बच्चा भरोसा नहीं होंदा। कई दफा किसे ते साडा भरोसा ते पक्का है भई बंदा काबले एतबार है, भरोसे ही हो गए, इस ते भरोसा कीता जा सकदा, पर उहदे नाल कोई प्रेम दा संबंध ही नहीं, सिर्फ भरोसे ही हो गए। भरोसा ते प्रेम जब दोवें इकट्ठे होंदे ने उहनूं कहिंदे ने भावना। कर भाव के, हथ बना भावना दे, पैर बना भय दे। परमात्मा दा भय होवे पैर गलत पासे नहीं जाणगे, परमात्मा दी भावना होवे हथ गलत करनगे भी नहीं। भय के चरण कर भाव के, लोइण सुरत करे। अखां बना ज्ञान दियां, समझ दियां, सुरत दे ते अर्थ समझ दे, समझ दियां अखां बना। लोइण सुरत करे, नानक कहे सियाणीए इउं कंत मिलावा, इस तरह मिला पाउंदा। इकबाल कहिंदे ने दिले भी ना भी कर खुदा से तलब, के आंख का नूर दिल का नूर नहीं। दिले भी ना भी कर खुदा से तलब, के आंख का नूर दिल का नूर नहीं। इलम में भी सरूर है लेकिन ये वो जन्नत है जिसमें हूर नहीं। ठीक
ठीक है ज्ञान बाहर का अक्षय ज्ञान उहदे च भी कोई गल होवेगी पर रस तो ही नहीं है कुछ भी नहीं ज्ञान ते अनुभव ही आता है जो अंदरों जन्मे ते अंदर दी दुनिया नूं बदल देवे अनुभव प्रकाश लोयण सुरत करे नानक कहे सियाणीए इउं कंत मिलावा होए जितने चिर तक समझ दी अखां नहीं ने गुस्ताखी माफ नेत्रहीन है भावना नहीं है ये टुंडा है पै नहीं है ये लंगड़ा है अमृत वेले उठ के जपदा नहीं है ये तो गूंगा है ये तो गूंगा है परमात्मा दी बाणी गुरु दे बोल सुन लगे अंदर उत्साह नहीं पैदा होता ये तो बहरा है ये कितने सुनता है ये तो बहरा है महाराज कहते ने रोहला टुंडा अंधला क्यों गल लगे दाए पहला पातशाह वाक सतगुरु नानक देव जी महाराज का वाक रोला टुंडा अंधला क्यों गल लगे दाए जो लंगड़ा है टुंडा है अंधा है बहरा है गुंगा है इनू परमात्मा कितों नसे अंग अंग भंग रंग रूप कुलहीन दीन बच्चे कुल अंग नहीं ने हाथ है कुछ नहीं कर सकता जबान है नहीं बोल सकता सहजे सहजे इसनों भोजन मिलता है दुध मिलता है खुराक मिलती है एक दिन इसके हत्थां च ताकत आउंदी कुछ करन लग पैंदा है एक दिन इसके पैरां च बल आ जांदा है चलन लग पैंदा है एक दिन कुवत ते गोयाई मिल जाती है बोलन लग पैंदा है शरीर दे ये सारे ज्ञान इंद्रे कर्म इंद्रे काम करन लग पैंदे ने भोजन की शक्ति नाल विकास सारा भोजन ते खड़ा है रोज रोज भजन कीता जाए अमृत वेले उठ के हर अमृत वेले वत्ते का बीजया भगत खाए खर्च रहे निखुटे ना वाहेगुरु वाहेगुरु जपद्या जपद्या एक दिन वाहेगुरु दिखाई देन लग पैंदा है एक दिन उसके बोल चारों पासे सुनाई देन लग पैंदा है एक दिन उसका दामन हत्थां दे आ जाता है एक दिन ऐसा महसूस होंदा सी ते परमात्मा दी गोद च बैठे ये सारी तौफीक मिलती है भजन नाल जैसे शरीर का सारा बल की है भोजन भोजन ना मिले कोई इंद्रा विकसित नहीं होएगा मनुख का शरीर मर जाएगा पर भजन रोज रोज ना होवे वो अखां नहीं मिलनगियां जो परमात्मा नूं वेख सकदियां ने वो कन भी नहीं मिलनगे जो सुन सकदे ने वो जबान भी नहीं मिलेगी जो भजन का रस माण सकती है ये भी मैं अर्ज करते हैं भोजन की बुरकी मूँह ते रखते हैं स्वाद आ गया वाहेगुरु वाहेगुरु जपद्या रस नहीं आया क्यों अजे जबान दे चो तौफीक नहीं है वरना वाहेगुरु आखण का भी अपना रस है तो जिन्हों वाहेगुरु आखद रस आवे साहब कहें परमात्मा की रसना ते वसे है प्रभ जी बसे साध की रसना नानक जन का दासन दसना वाहगुरु तो यदि जबान ते क्यों ये वाहगुरु आखदा है रस नाल भर जाता है ये बाणी जपदा है रस नाल भर जाता है बाणी तो यदि रसना ते वस गई नाम तो इसकी रसना ते वस गया जिन्ने चिर तक वाहगुरु वाहगुरु आखद रस ना आवे अजे वाहगुरु रसना ते नहीं वसया ते जितने चिर तक रसना ते नहीं वसया अखां नाल दिखाई भी कुछ नहीं देगा परमात्मा ने दिखाई देगा संसार दिखाई देगा कन्ना नाल सुनाई भी नहीं देगा पहले गल रस दी भोजन पहले जवान दा रस बनता है खून बाद दे च बनता है मांस बाद दे च बनता है हड्डियां दी ताकत बाद दे च बनता है इंद्रियां दी शक्ति बाद दे च बनता है रस पहले भोजन दी बुरकी दा रस आ गया स्वाद ते पहले आ गया हुण सहजे सहजे ये बुरकी पचेगी पच के खून बनेगी मिंज बनेगी मांस बनेगी शरीर की ताकत बनेगी वाहेगुरु आखदे आ जद रस आ जाए तो समझ लेना वाहेगुरु रसना ते दिवस है अजे रूहानी शक्ति नहीं है अजे अखां दे च भी तौफीक नहीं है कि प्रभु नूं देख सकन अजे ये सिलसिला विकसित होवेगा पर इतनी गल ते स्पष्ट हो गई जबान ते ये पहला कदम है बाणी पढ़ रहे हैं कोई रस नहीं है वाहेगुरु वाहेगुरु जप रहे हैं कोई रस नहीं है अजे रसना ते भी नहीं वसया अजे हनूज दिल्ली दो रस रूहानी बल रूहानी शक्ति
अजे वेखना उस प्रभु नु सुनना समझना अनुभव प्रकाश होते लंबी गल है। अजे ते आखदे आ रस भी नहीं है। प्रभ जी वसे साध की रसना, जैसे रस आन लग पैंदा है रसना ते प्रभु वस जांदा है ते रसना विच बरकतां आ जांदियां, बोलां विच बरकतां आ जांदियां, एक दिन हत्थां च बरकतां आ जांदियां, जपदियां जपदियां एक दिन कदमां विच क्रांति आ जांदी है। ये सब कुछ जपदियां जपदियां आउंदा है। महाराज कहिंदे ने ऐसे भी हथ ने बिल्कुल बेबरकते, जे ओ कंचन नो हथ लावे खेउ सहती रल गया, सोने नो हथ पांदा मिट्टी हो जांदा, बणदे होए काम नो हथ पांदा डै ढेरी हो जांदा। पर ऐसे भी हथ ने मिट्टी नो छूंदे ने सोना, बिगड़े होए काम नो हथ पांदे ने सिरे चढ़दा है। महाराज कहिंदे ने हथां च बरकत, पैरां दे सत्ते आ। ये तां होंदा है जद पहले बोलां च बरकत आ जाए, प्रभु दा नाम रसना ते टिक जाए, साहिब रहमत करन बख्शिश करन, ये सौगात साडी चौली च पवे ताकि इस परम आनंद नूं असी माण सकीए। इतनियां विचारां प्रवान, फुल चुक दी शमा। वाहिगुरु जी का खालसा।